साथियों साथियों, आजकल पंजाब की सियासत दो जमातों ने अलगमाल किया है, जिनकी सियासत दाएं बाजू का सियासत है। ये दो पीटीआई हो या नून लीग हो, ये दो सिक्के के एक रुख है। उनका सियासत एक है, उनका नजरिया एक है, उनकी मईशत पे पॉलिसीज एक है, उनका फॉरेन पॉलिसी एक है, उनकी दहशतगर्दी पे पॉलिसी एक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पंजाब को इस नजरियाती बहरान से निकाल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबला इन जमातों से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला आपकी महरूमी से है, आपका पसमानदगी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है, बेरोजगारी से है, जुल्म से है, नफरत से है। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहे जमात है जो हमेशा किसान दोस्त पॉलिसीज लेकर आती है, हमेशा मजदूर दोस्त पॉलिसीज लेकर आती है, हमेशा नौजवान दोस्त पॉलिसीज लेकर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रोजगार देती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुकूमतें में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमतें मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली अवामी हुकूमत भी नौजवानों को रोजगार दिलवाएगा। साथियों, अगर आपको गालम गलोच का सियासत चाहिए है, यू टर्न का सियासत चाहिए है, शोबाजी का सियासत चाहिए है, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप नजरिया के सियासत चाहते हो, असूलों के सियासत चाहते हो, खिदमत का सियासत चाहते हो, शहीदों का सियासत चाहते हो, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जमात है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जमात है, और आप ये हमारा जमात है। साथियों, साथियों, आज मैं आया हूं आपकी मदद मांगने के लिए। मैं निकला हूं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए, बीबी का वादा निभाने के लिए, और पाकिस्तान बचाने के लिए, इस काम के लिए, इस जद्दोजहद के लिए, इस स्ट्रगल के लिए आपकी मदद जरूरी होगा, आपका साथ जरूरी होगा। आप मुझे बताएं, क्या आप मेरे साथ दोगे, मेरे बाजू बनोगे, मेरे ताकत बनोगे, लड़ोगे? तो फिर अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता, हमें ना रोक सकता है, हमें ना खोर सकता है। अगर हमने बीबी का वादा निभाना है और पाकिस्तान बचाना है, तो 25 जुलाई को तीर पर थप्पा लगाना है। 25 जुलाई को तीर पर थप्पा लगाकर कमर जमान कायरा को मुंतखब करवाना पड़ेगा। 25 जुलाई को तीर पर थप्पा लगाकर तनवीर अशरफ कायरा को मुंतखब करवाना पड़ेगा।
ندیم عاشق کو منتخب کروانا پڑے گا, غلام رسول کو منتخب کروانا پڑے گا, پیر پر تھپا لگا کر وزیر النساء کو منتخب کروانا پڑے گا, ڈاکٹر فرحان کو منتخب کروانا پڑے گا, رضوان دلدار کو منتخب کروانا پڑے گا, چودھری اظہر کو منتخب کروانا پڑے گا, 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگوا کر مجھے منتخب کروانا پڑے گا. لالا موسیٰ کا نشان کیا, بہادروں کا نشان کیا, نوجوانوں کا نشان کیا, مزدوروں کا نشان کیا, کسانوں کا نشان کیا, شہیدوں کا نشان کیا, بھٹو کا نشان کیا, بیوی کا نشان کیا, جیت کا نشان.